हेलो स्टूडेंट्स, करीब एक साल पहले मेरे पास एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट आया था। वो स्टूडेंट जो है 15 दिन उसके बाद उसकी एग्ज़ाम थी और उसको एक सब्जेक्ट पढ़ना था। वो सब्जेक्ट काफ़ी लेंदी था, मतलब उसको करने में करीब करीब से 3 से 4 महीने लगते थे और उस स्टूडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हुए थे। अब उस पहले तो मैंने उसे मना कर दिया कि बेटा 15 दिन के अंदर तेरा सिलेबस पूरा कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने काफ़ी रिक्वेस्ट करी तो मैंने बोला ठीक है, अपन कोशिश करते हैं इसे करने की। और उसके सामने मैंने एक शर्त रखी थी कि उसे सुबह 10 बजे आना पड़ेगा और शाम को 6 बजे तक मेरे साथ बैठ के ही पढ़ाई करना पड़ेगी क्लास पर। तो वो रेडी हो गया। फिर वो अगले दिन आया सुबह 10 बजे, 10 से 12 तक मैंने उसे पढ़ाया, पूरे अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट उसे क्लियर करे। उसके बाद में मैंने उसे कुछ क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस करने के लिए। मैं इधर अपने दूसरी क्लास से लेता रहता था और वो साथ में बैठ के प्रैक्टिस करता रहता था। ऐसे प्रैक्टिस करते 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 और जब भी मुझे 5-10 मिनट का टाइम मिलता था या छोटा सा ब्रेक मिलता था, मैं आकर उसके डाउट क्लियर कर देता था। और वो बच्चा सुबह 10 बजे से रात के शाम की 6 बजे तक मेरे पास ही बैठ के पढ़ता था। और इस तरीके से उसने कंसिस्टेंसी से जो 3 से 4 महीने का सिलेबस होता है उसको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर उसने कवर कर लिया था। फिर उसका एग्ज़ाम हुआ, उसको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स भी आए और फाइनली वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो गया। उसके बाद में वो मुझसे मिलने आया, बोले सर आपने अच्छा पढ़ाया। पर मैंने उसे पूछा कि बेटा आपको ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके कारण आप इतनी कंसिस्टेंसी से लगातार 5-5, 6-6 घंटे जो थे एक जैसे बैठ के पढ़ सकते थे। तो उसने बताया कि जब वो IIT की तैयारी कर रहा था तो वो एक कोचिंग जाता था, वहाँ कोचिंग पर लगातार 7-8 घंटे तक उसको बैठे रहना पड़ता था, जिसके कारण उसकी एक लॉन्ग शूटिंग की आदत बन गई थी। उसके बाद मुझे काफ़ी चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, फिर मैंने उसके ऊपर और भी रिसर्च करी कि किस तरीके से हम एक लॉन्ग आवर्स तक, ज़्यादा देर तक हम एक जैसा बैठ के पढ़ सकते हैं, कंसिस्टेंसी से लगातार पढ़ सकते हैं। और काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे एक बहुत अच्छी टेक्निक मिली है, उस टेक्निक को मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक में हम स्टडी करने के लिए टाइम ब्लॉक करते हैं और बीच बीच में छोटे ब्रेक लेते हैं ताकि हमारा दिमाग थके नहीं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम समझते हैं। इसके अंदर स्टेप पहली, आप जो भी स्टडी करना चाहते हैं उसे आपको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना है। यह टास्क आपको 25 मिनट में अचीव करना है और आपका कोई भी टास्क ना तो बहुत ज़्यादा कठिन होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा आसान होना चाहिए। बढ़ते हैं स्टेप टू की तरफ। तो स्टेप टू के अंदर आपको 25 मिनट का टाइमर लगाना रहता है और स्टडी शुरू करना रहती है। बढ़ते हैं हमारी स्टेप नंबर 3 की तरफ। इसके अंदर आपको जितने भी डिस्ट्रेक्शन है उनको अवॉइड करना है। इस 25 मिनट में सिर्फ आपको स्टडी करना है, इस बीच आपको किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इसलिए आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे कि आप पढ़ने के लिए सारी जो चीजें जरूरी है उन्हें साथ लेके बैठे ताकि बीच बीच में किसी भी चीज को लेने के लिए आपको बार बार उठना ना पड़े। बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 में 25 मिनट खत्म होने के बाद आप 5-6 मिनट का ब्रेक लेंगे जिसका आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसके अंदर आपको मोबाइल नहीं चलाना है और नहीं तो ये आपका 5 मिनट का ब्रेक 25 मिनट का कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इस 5 मिनट में आप डीप ब्रीथ कर सकते हैं, एक वॉक कर सकते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप नंबर 5 में आपको ऐसी 4 साइकल्स करना है और यह 4 साइकिल एक पोमोडोरो के बराबर होता है। एक पोमोडोरो कंप्लीट होने के बाद आप 20 से 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और फिर वापस से इसे रिपीट कर सकते हैं और फिर वापस से आप रिपीट करेंगे। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी 25 मिनट से आप 30 मिनट, 35 मिनट और 45 मिनट तक की कंटिन्यूस हिटिंग बना सकते हैं। अगर आप 45 मिनट की 4 साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी 3 आवर्स की सेल्फ स्टडी हो जाती है जो आपको बाकी स्टूडेंट से काफी आगे कर देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।